નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી અને તેની પત્ની આલિયા સિદ્દીકી લાંબા સમયથી વિવાદોમાં આવી રહ્યા છે। થોડા દિવસો પહેલા આલિયાએ નવાઝ અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી, જે બાદ હવે મુંબઈ કોર્ટે તેમને નોટિસ મોકલી છે। નવાઝુદ્દીનની પત્ની આલિયાએ થોડા દિવસો પહેલા તેના વકીલ રિઝવાન સિદ્દીકી મારફતે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। નવાઝ અને તેના परिवार पर गंभीर आरोपों लगाव्या हता अने तेणे कह्युं के नवाजुद्दीन अने तेना परिवारे तेने घणा दिवसोथी खावानुं पण नथी आप्युं। तो आ सिवाय तेमने सुवा माटे पथारी अने नहावा माटे बाथरूम पण नथी आपवामां आवी रह्युं। तो एक रिपोर्ट अनुसार मुंबईनी अंधेरी हाईकोर्टमां आलियाना वकील द्वारा फरियादमां नोंधाववामां आवी हती अने नवाजने नोटिस फटकाराई छे। तो आपने जणावी दईए के नवाजनी पत्नी तेमना पर घणा गंभीर आरोपों लगाव्या छे। तो नवाजनी पत्नी द्वारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी अने तेना परिवार पर घणा गंभीर आरोपों लगाववामां आव्या छे। कहेवामां आवी रह्युं छे के तेने रहेवा सुवा तेमज जमवानी पण व्यवस्था नथी करी देवामां आवी। तो वात करीए के नवाजुद्दीन पत्नीनी तेना वकील द्वारा कोर्ट तरफथी नोटिस फटकारवामां आवी छे। आपने जणावी दईए के नवाजनी पत्नी तेमना घरमां गंभीर आरोपों लगाव्या। आलियाना वकील अनुसार नवाजुद्दीनना मैनेजर नोटिस मळी छे, नवाजे पण नोटिस मळी होय परंतु तेणे जवाब आप्यो नथी अने आ साथे ज आलियाना वकीले कह्युं के तमाम केसनी सुनावणी आगामी दिवसोमां थवानी छे। ए रिपोर्ट अनुसार आलिया अने नवाजनी माता वच्चे प्रोपर्टीने लई विवाद चाली रह्यो छे अने आ विवादने कारणे मामलो पोलीस सुधी पहोंच्यो हतो। तो नवाजनी माताए थोड़ा दिवसो पहेला आलिया विरुद्ध फरियाद नोंधावी हती। पोलीसे आईपीसीनी कलम 452, 323, 504 अने 506 हेठळ केस नोंध्यो हतो। इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ आलिया सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो खुलकर पक्ष रख रहे हैं। लगातार वह कोर्ट की तरफ जो कानूनी लड़ाई होती है वह उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। रिजवान में स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे जिस तरीके से इस पूरा मामले पर आगे बात बढ़ रही है? एक ऐसी महिला जो अपने पति से गुहार लगा रही है कि उसे घर में आने दिया जाए, वह वीडियो बना रही है कि उसको न तो बाथरूम यूज करने दिया जाए न खाना मिल रहा है, आखिरकार माजरा क्या है पूरा? देखिए, बैकग्राउंड ऑफ द केस ऐसा है कि इत्तफाक से क्या हो गया कि मेरी क्लाइंट अपने बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी नवाज के कहने पे। नवाज ने उनको ये एश्योरेंस दिया था कि वो वहाँ पे उनके जितने बच्चों के खर्चे वो पूरा करेंगे और उन्हीं के कहने पे बच्चों को लेके ये दुबई शिफ्ट हो गई। अब इनकी एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसकी वजह से उनको बॉम्बे आना पड़ा बच्चों को अपने मेट्स के साथ रख के, और नवाज से बात हुई थी कि बच्चों को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं हो, वो जाके ध्यान दें क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ भी है, इनको कुछ पर्सनल इश्यूज जो हैं वो क्लैरिफाई करने हैं। इस दौरान नवाज ने अपने बेटी को अपने मैनेजर के साथ अकेले, खाली बेटी नहीं बेटा भी, बेटा तो बहुत छोटा है, एक अपने मैनेजर के साथ में घूमने के लिए भेज दिया और एक ही रूम में सबको रख लिया, जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट बहुत परेशान हो गई क्योंकि बच्ची के साथ में इसके पहले भी हादसा हुआ है और हमने इस बारे में नोटिस भी भेजा। तब नवाज ने ये बोला मेरी क्लाइंट को, जो मेरी क्लाइंट का कहना है कि मैं मंत्रियों के साथ उठता बैठता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आंसर से मेरी क्लाइंट कोई खुश नहीं थी, ना ये घमंड से खुश थी कि भाई पहली बात तो आपको अपनी बच्ची को ऐसे एंडेंजर नहीं करना चाहिए। तो इसके जवाब में उन्होंने बोला मैं बच्ची का कस्टडी ले लूंगा और थोड़ा सा दादागिरी दिखाया उन्होंने, और क्योंकि बच्चों को पैसे नहीं भेज रहे थे और बच्चे वहाँ पे मोहताज हो रहे थे चीज़ों के लिए, तो ये अपने हस्बैंड को मिलने के लिए घर पे गई। तो हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो वो बोली घर में बताया गया कि वो शूटिंग पे हैं, तो बोली ठीक है उनको शूटिंग से आने तो मैं यहीं रुकती हूँ। और कहाँ जाएगी एक बीवी, अब अगर अपने हस्बैंड के घर पे नहीं जाएगी बॉम्बे में तो कहाँ जाएगी? तो जैसे ही वो घर में गई और रुकने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी रुकूंगी, तो नवाज की जो मम्मी है, जो मेरी क्लाइंट की सास है, उन्होंने अपने बहू पे केस कर दिया कि तुम बहू ही नहीं हो, और उन पे काफ़ी तोहमत लगाए और बच्चों के लेजिटिमेसी के ऊपर भी क्वेश्चन किया। और ये सब चीज़ पुलिस को बुला के रातों रात किया उन्होंने, और पुलिस ने ना मेरे क्लाइंट के बचाव में कुछ काम किया, उल्टा ट्रेसपासिंग का केस कुछ ही घंटों में रजिस्टर भी कर दिया और 41A का नोटिस भी जारी कर दिया। और रात को ही क्लाइंट को, जो फीमेल को 6 बजे के बाद बुला नहीं सकते आप कहीं पर भी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर की इतनी हिम्मत थी कि मजिस्ट्रेट को बेगर बताए हुए, विदाउट कंप्लायंस ऑफ 157 एंड 158 उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और रातों रात अरेस्ट करने की धमकी दे रहे थे वो। तो मेरी क्लाइंट ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने बोला कि सीनियर कुछ नहीं कर सकता है लॉ में, वो उसने ऑलरेडी अपने हाथ में कानून ले लिया है, आप टेंशन मत रहिए, आप रुकिए वहीं पर। तो वो रुकी वहाँ पर। तो जैसी वो रुकी तो पहले दिन तो उनको उनकी दोस्तों ने खाना भिजवाया उसके बाद 2 दिन तक उनका खाना भी बंद हो गया। तो वो पहले तीन दिनों में ना वो शुरू के 5 दिनों तक वो नहाई भी नहीं, क्योंकि ना नहाने की जगह थी। एक छोटा सा उनका हॉल में एक क्या बोलते हैं पाउडर रूम था, जिसमें हैंड शावर खाली टॉयलेट के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे वो बकेट लेके 5 दिन में एक दफ़ा नहाई बेचारी वो, और उसी दौरान उन्होंने बच्चों को भी बुलाया। तो ये बच्चे और वो मिल के, तो शुरू के 3 दिन ना उनको खाने को मिला। जब बच्चे आए तो बच्चों के लिए कुछ सुविधा की गई ड्राइवर के थ्रू कि उनके लिए खाना वाना मंगाया जाए। तो जो बच्चों का बचा हुआ खाना है वो आज 10वां 11वां दिन है या 12वां दिन है, वो बच्चों का बचा हुआ खाना खा रही हैं। और 2 दिन पहले का उनका वीडियो जो आप लोग जिसके जिक्र कर रहे हैं, वो 2 दिन या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले का वीडियो है जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ पे गार्ड ने उनको बोला है कि आप ऊपर नहीं जा सकती हैं। तो आज 10 से 11 दिन हो गया, ना खा रही हैं ढंग से वो, ना सोने की जगह है, ना नहाने की जगह है, बच्चों को भी नहलाने की जगह नहीं है, और इसी माहौल में वो रह रही हैं। तो मैंने जो पुलिस ने नहीं किया काम, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था पुलिस ने वो किया। तो इसीलिए मैंने हाई कोर्ट में कॉशिंग एप्लीकेशन इमीडिएटली दाखिल कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं क्लाइंट के पास गया था साइन लेने, तो साइन भी लेने नहीं दिया जा रहा था उसको। तो मैंने एक 498A का केस दाखिल कर दिया, 509 का केस दाखिल कर दिया, पर पुलिस वाले हिल ही नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है क्यों नहीं हिल रहे हैं। तो मैं पुलिस वाले के अगेंस्ट जो केस करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना है प्रोसिक्यूट करने के लिए, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। वो पुलिस वाले को एग्जाम्पल बनाना ही पड़ेगा इस केस में।